एफिल टावर, फ्रेंच टूर एफिल, पेरिस का मिल्का पत्थर जो भवन निर्माण इतिहास में एक तकनीकी उत्कृष्ट कृति है। जब फ्रांसीसी सरकार फ्रांसीसी क्रांति की शताब्दी मनाने के लिए 1889 के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन कर रही थी तो उपयुक्त स्मारक के लिए डिजाइन के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। 100 से अधिक योजनाएं प्रस्तुत की गयी और शताब्दी समिति ने प्रसिद्ध कुल इंजीनियर गुस्ताव एफिल की योजना को स्वीकार कर लिया। एफिल की 300 मीटर 900 फुट टावर की अवधारणा लगभग पूरी तरह से खुले जालीदार गढ़ा लोहे से निर्मित विस्मय, संदेह और सौंदर्य के आधार पर कोई कम विरोध नहीं है। पूरा होने पर टावर ने प्रदर्शनी के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य किया। दूर से एफिल टावर जैसा कुछ भी नहीं बनाया गया था। ये रोम में सेंट पीटर की गुंबद या गीजा के महान पिरामिड से दोगुना ऊंचा था। इस तरह के पुराने स्मारकों के विपरीत टावर केवल 2 वर्षों 1887 से 89 में एक छोटी सी श्रम शक्ति के साथ मामूली लागत पर बनाया गया था। लोडिंग के तहत धातु मेहराब और धातु ट्रस रूपों के व्यवहार के अपने उन्नत ज्ञान का उपयोग करते हुए एफिल ने एक हल्का हवादार लेकिन मजबूत संरचना तैयार की जिसने सिविल इंजीनियरिंग और वास्तुशिल्प डिजाइन में क्रांति की शुरुआत की और 15 मई 1889 को इसे जनता के लिए खोले जाने के बाद इसने अंततः खुद को सौंदर्य की दृष्टि से सही साबित कर दिया। एफिल टावर 4 जाली गर्डर पियर्स पर खड़ा है जो अंदर की ओर झुकते हैं और एक बड़े ऊर्ध्वाधर टावर का निर्माण करते हैं। जैसे ही वे अंदर की ओर झुकते हैं, 2 स्तरों पर गर्डरों के नेटवर्क द्वारा पियर्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं जो पर्यटकों के लिए प्लेटफॉर्म देखने का खर्च वहन करते हैं। इसके विपरीत टावर के आधार पर 4 अर्धवृत्ताकार मेहराब पूरी तरह से सौंदर्य तत्व हैं, जो कोई संरचनात्मक कार्य नहीं करते हैं। उनके अद्वितीय आकार के कारण जो आंशिक रूप से इंजीनियरिंग के विचारों से निर्धारित होता था लेकिन आंशिक रूप से एक फिल की कलात्मक भावना से भी पियर्स को एक वक्र पर चढ़ने के लिए लिफ्ट की आवश्यकता होती थी। यूनाइटेड स्टेट्स के उच्च एलिवेटर कंपनी द्वारा डिजाइन की गई ग्लास किज मशीनें इमारत की प्रमुख विशेषताओं में से एक बन गई जिससे इसे दुनिया के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक के रूप में स्थापित करने में मदद मिली। टावर ही 300 मीटर 984 फीट ऊंचा है। ये 5 मीटर 17 फीट ऊंचे आधार पर टिकी हुई है और टावर के ऊपर एक टेलीविजन एंटीना इसे 324 मीटर 1063 फीट की कुल ऊंचाई देता है। 1929 में न्यूयॉर्क शहर में क्रिसलर बिल्डिंग के शीर्ष पर पहुंचने तक एफिल टावर दुनिया की सबसे ऊंची संरचना थी। पेरिस फ्रांस में एफिल टावर को गंभीर सेलेब का दर्जा प्राप्त है। मार्च 1889 में पूरा हुआ ये दुनिया के सबसे पहचानने योग्य स्मारकों में से एक है और साइट जिसे आरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है में सालाना लगभग 7 लाख पर्यटक आते हैं। लेकिन इसकी प्रसिद्धि के बावजूद टावर में कुछ स्मारकीय रहस्य हैं। पेरिस के इस हाईलाइट के बारे में जानकारी पाएं। छिपा हुआ अपार्टमेंट। यदि आप एफिल टावर के निर्माण के प्रभारी होते तो आप और कहाँ रहते। एफिल टावर गुस्ताव एफिल जिन्होंने मिल्का पत्थर डिजाइन किया ने संरचना के शीर्ष स्तर पर खुद को एक छोटा सा अपार्टमेंट बनाया। आकाश मुझे बना काह में आलीशान आसनों तेल चित्र और यहाँ तक कि एक भव्य पियानो भी था। सुपरस्टार वैज्ञानिक थॉमस एडिसन जैसे कुछ वीआईपी लोगों को जाने की इजाजत थी। एफिल की मृत्यु के बाद 1920 के दशक से अप्रयोग 2015 तक 950 फुट ऊंचे पैड के बारे में बहुत कम लोग जानते थे जब इसे सार्वजनिक देखने के लिए खोला गया था। स्काई लैब एफिल टावर का शीर्ष सितारों और मौसम का अध्ययन करने के लिए एकदम सही जगह की तरह लगता है। कोई आश्चर्य नहीं कि एफिल ने तीसरे स्तर पर 2 छोटी प्रयोगशालाएं स्थापित की जहां खगोलविद और मौसम विज्ञानी काम कर सकते थे। एफिल ने अपने स्वयं के प्रयोग भी किए। वस्तुएं हवा के विरुद्ध कैसे चलती हैं? इसके बारे में अधिक जानने के लिए उन्होंने टावर के दूसरे स्तर भूमि से लगभग 380 फीट ऊपर से डोरियों से जुड़ी वस्तुओं को गिरा दिया और देखा कि वे कैसे गिरे। पेरिस फ्रांस में एफिल टावर को गंभीर सेलेब का दर्जा प्राप्त है। मार्च 1889 में पूरा हुआ ये दुनिया के सबसे पहचानने योग्य स्मारकों में से एक है और साइट जिसे आरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है में सालाना लगभग 7 लाख पर्यटक आते हैं। लेकिन इसकी प्रसिद्धि के बावजूद टावर में कुछ स्मारकीय रहस्य हैं। पेरिस के इस हाईलाइट के बारे में जानकारी पाएं।
छिपा हुआ अपार्टमेंट। यदि आप एफिल टावर के निर्माण के प्रभारी होते तो आप और कहाँ रहते। एफिल टावर गुस्ताव एफिल, जिन्होंने मिल्का पत्थर डिजाइन किया, ने संरचना के शीर्ष स्तर पर खुद को एक छोटा सा अपार्टमेंट बनाया। आकाश ऊंचे पनाह का में आलीशान आसनों, तेल चित्र और यहाँ तक कि एक भव्य पियानो भी था। सुपरस्टार वैज्ञानिक थॉमस एडिसन जैसे कुछ वीआईपी लोगों को जाने की इजाजत थी। एफिल की मृत्यु के बाद 1920 के दशक से अप्रयोग 2015 तक 950 फुट ऊंचे पैड के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। जब इसे सार्वजनिक देखने के लिए खोला गया था, स्काई लैब एफिल टावर का शीर्ष सितारों और मौसम का अध्ययन करने के लिए एकदम सही जगह की तरह लगता है। कोई आश्चर्य नहीं कि एफिल ने तीसरे स्तर पर दो छोटी प्रयोगशालाएं स्थापित की जहां खगोलविद और मौसम विज्ञानी काम कर सकते थे। एफिल ने अपने स्वयं के प्रयोग भी किए। वस्तुएं हवा के विरुद्ध कैसे चलती हैं, इसके बारे में अधिक जानने के लिए उन्होंने टावर के दूसरे स्तर भूमि से लगभग 380 फीट ऊपर से डोरियों से जुड़ी वस्तुओं को गिरा दिया और देखा कि वे कैसे गिरे। निष्पक्ष उन्माद एफिल टावर को आधिकारिक तौर पर 1889 के विश्व मेले में खोला गया था। पहली बार 1851 में लंदन इंग्लैंड में आयोजित दुनिया के मेलों में दुनिया भर के अत्याधुनिक आविष्कारों वास्तुकला और कला का प्रदर्शन किया गया था। घटनाओं ने कई भविष्यवादी आविष्कारों का खुलासा किया है जिसमें फिरस भी टेलीविजन एक्स-रे मशीन और आइसक्रीम कोन शामिल हैं। दुनिया का मेला जिसे अब एक्सपो कहा जाता है हर 3 साल में दुनिया भर के एक अलग शहर और देश में आयोजित किया जाता है। जासूस उच्च एफिल टावर एक गुप्त एजेंट के रूप में दुगना हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक विश्वव्यापी संघर्ष जो 1914 से 1918 तक चला, फ्रांसीसी सेना ने जमीनी सैनिकों और युद्ध पोतों के साथ संवाद करने के लिए टावर के रेडियो और टेलीग्राफ केंद्र का उपयोग किया। इसने दुश्मन के संदेशों को भी इंटरसेप्ट किया। 1916 में टावर ने एक महिला जासूस के बारे में एक संदेश उठाया जिसे माता हरी के नाम से जाना जाता है। कब्जा की गई जानकारी का उपयोग करते हुए फ्रांसीसी सेना ने एजेंट को ट्रैक किया और गिरफ्तार कर लिया। सभी डेयर डेविल्स को कॉल करना, कुछ लोग एफिल टावर के दर्शन के लिए जाते हैं, अन्य अधिक साहसी रोमांच के लिए आते। 1889 में एक व्यक्ति टावर के सीढ़ियों से 704 पर चला गया। स्टिल्ट्स पर 1952 में 3 ट्रेपेज कलाकारों ने बिना जाल के रस्सियों से 400 फीट ऊपर जमीन से झूला और 2010 में एक आदमी ने टावर के पहले स्तर के नीचे एक 90 फुट ऊंचे रैंप से नीचे जमीन पर स्थापित एक मंच से रोलर स्केट किया। एफिल टावर का एक रंगीन इतिहास रहा है। सचमुच मूल संरचना गहरे लाल रंग की थी। 1899 में इसे पीले रंग में रंगा गया था। लगभग 50 साल पहले टावर को कांस्य रंग में लेपित किया गया था। आज एफिल टावर, जिसे हर कई वर्षों में पेंट का काम मिलता है, लगभग 16,000 गैलन पेंट से ढका हुआ है। संख्या से एफिल टावर 19वीं सदी में जब टावर खुला तो ये 1024 फीट 312.11 मीटर पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। एफिल टावर में 1665 सीढ़ियां और 3 देखने के प्लेटफार्म हैं। लगभग 50 मील की विद्युत केबल संरचना को कवर करती है। एफिल टावर के ऊपर 120 एंटेना है। टावर 18,000 लोहे के टुकड़ों से बना है जो 2.5 मिलियन से अधिक रिवेट्स द्वारा एक साथ बोल्ट किया गया है। 20,000 प्रकाश बल्ब हर रात लैंडमार्क को रोशन करते